दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मां बनने का सपना करें साकार। जावित्री हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां 80% तक सफल परिणामों के साथ 8000 से ज्यादा निसंतान दंपतियों को मिला है संतान सुख का वरदान। जावित्री हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। बीते 7 सितंबर को दिल्ली के रहने वाले कैब ड्राइवर की हत्या का मामला सामने आया था। कैब ड्राइवर का नाम आफताब आलम, दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी आफताब 6 तारीख को कैब में सवारियां लेकर गुरुग्राम से बुलंदशहर गए थे। दोपहर करीब 3 बजे बुलंदशहर पहुंचे, वहां से वापस निकले, लेकिन इस बीच शाम से ही उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। घर वालों ने पुलिस को बताया, तलाश हुई, इसी बीच दादरी के पास एक कैब मिली लावारिस। देखा गया तो कैब में आफताब थे, लहूलुहान अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में 2 बातें सामने आई। पहली बात कि बुलंदशहर से वापस निकलने के बाद भी आफताब ने रास्ते में कुछ सवारियाँ कैब में बिठाई थी। दूसरी बात, वापसी में गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकी थी, फिर दादरी टोल के बाद आफताब ने अपने बेटे को शाम 7:45 पर कॉल किया था। इसी एक कुछ देर बाद से आफताब का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। बेटे साबिर का कहना था कि पिता से बात हुई तो उधर से आफताब फ़ोन डिस्कनेक्ट करना भूल गए, कॉल चलती रही। साबिर का कहना था, इसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। 48 मिनट की इस रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रहा है कि सवारियां आफताब से किराए को लेकर झगड़ रही हैं। लड़ाई के अलावा कुछ लोग उधर से बोल रहे थे कि जय श्री राम बोलो। इस पर शक गहराया कि क्या हत्या का कोई धार्मिक एंगल भी है। फिर पुलिस की जांच होती है। पुलिस की जांच में क्या पता चलता है? जांच के लिए पुलिस ने उस पेट्रोल पंप के फिलिंग बॉय से बात की जहां कैब रुकी थी। उसकी बातों के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि हत्या का कोई धार्मिक एंगल नहीं है। फिलिंग बॉय ने जो बताया वो सुन लीजिए। जैसे मैंने बात रखी उनके पैसे लेने के लिए, पैसे आए पीछे से, मुझे दिए ड्राइवर ने पैसे काटे। जैसे मैंने हाथ करा तो वो पीछे से बोले कि तेरे हाथ में बेटे क्या चोट कैसी है। ये बचपन की चोट है तो पीछे से आवाज बोली, पीछे से वो बोले कि बेटा 10 रुपये काट लो फालतू। मटकी जी अंकल जी मुझे फालतू रुपये नहीं चाहिए, जो पैसा ये इतने तुम काटो। फिर उन्होंने कहा बेटा जय श्री राम। तो मैंने कुछ बोला ना, मेरे मुँह में कुछ था उस टाइम का, फिर उसके बाद गाड़ी चली गई। इसके अलावा DCP सेंट्रल नोएडा हरीश चंदन ने बताया, पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई और ये बात निकल करके आई कि ये जो बात कही गई है जय श्री राम बोलने की, ये कैब चालक से नहीं कही गई है, ये जो है वो किसी अन्य व्यक्ति से कही गई है। उसी क्रम में जो है वो जब हम लोगों ने मौका मुआयना किया तो ये पता चला कि इस कैब को जो है वो CNG भराने के लिए एक फिलिंग स्टेशन पर रोका गया था, और वहाँ पर जो है जो फिलिंग बॉय था उसके हाथ में जो है वो एक चोट थी। उसी चोट को जो है वो पीछे बैठे युवकों ने इंगित किया, जो रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, और उनके द्वारा ये कहा गया कि ये चोट आपको कैसे लगी है। तो उसने बताया कि ये शुरुआत से जो है वो बाय बर्थ है। उसके बाद उसने कुछ पैसा देने के लिए एक्स्ट्रा ऑफर किया, जो बच्चे ने मना कर दिया, जो फिलिंग बॉय था, और उस फिलिंग बॉय को जो कि बहुसंख्यक समाज का है उसको ये धार्मिक नारा जय श्री राम बोलने के लिए उनके द्वारा कहा गया। हरीश ने यह भी बताया कि फिलिंग बॉय ने कहा है कि कैब चालक से ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है, ये शुद्ध आपराधिक वारदात है, इसका कोई धार्मिक एंगल सामने नहीं आया है, अभी तक नहीं है सामने। तो जो भी इस मसले पर नए अपडेट्स आते हैं हम जरूर बताएंगे। ये खबर लालिमा लेकर आई थी, मैं सिद्धांत हूँ, आप ललन टॉप पर बने रहिएगा। शुक्रिया।